हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज अभिषेक। आज हम गाइस एक डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन रिकर्जन। ठीक है, गेट में भी आपका आया हुआ है और व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, हम इसका आउटपुट बताना है बेसिकली। गाइस, ये हमारी सीरीज चल रही है व्हाट विल बी द आउटपुट टाइप के क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी 4-5 बनाए हुए हैं और भी फ्यूचर में डलते रहेंगे। ओके, आप चेक कर सकते हैं करना चाहें तो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू हमारा एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, तो बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे एंड बहुत सारी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यू कैन चेक दैट लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमको क्या गिवन है गाइस, एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिकर्जन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन फू है, तो सिंपली यहाँ पे भी ये दोबारा इसको अपने आपको एक कॉल कर रहा है। तो सेम फंक्शन इज कॉलिंग इट सेल्फ, दैट्स वाई इट इज रिकर्जन। ओके, सिंपली गाइस हमारे को मेन फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमारे को ए और सम गिवन है। एंड वट वी आर डूइंग इज वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन। सो हम इसको रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, सो विल नीड अ स्टैक। ठीक है, क्योंकि हम रिकर्जन कर रहे हैं तो हम अपना फंक्शन को सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हम गाइस स्टैक रिकॉर्ड बनाएंगे और उसमें हम फंक्शंस को देखते चलेंगे। एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हमें इसका आउटपुट बताना है। ओके, सो गाइस मैंने ये नंबरिंग क्यों करके रखी है, ताकि यार हमको पता चल सके कि जस्ट इन केस अगर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं तो इसके बाद हमको यहाँ से रिज्यूम करना है। ओके, सो दीज लाइन नंबर विल एक्ट एज व्हाट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। सपोज दिस इज आवर स्टैक। सो गाइस सिंपली हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, तो पहले हमने अपना मेन का बना लिया। ओके, सो व्हाट वी आर हैविंग इज ए की वैल्यू है 2048, लिखते चलते हैं साथ साथ। ठीक है गाइस, 2048, देन हमारे पास सम की वैल्यू है 0 इनिशियली, सम इज इक्वल टू 0। एंड नाउ गाइस वी आर सिंपली कॉलिंग दिस फंक्शन फू। ठीक है, हमने इसमें ए की वैल्यू और सम की वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। सो अब हमने कॉल किया फंक्शन फू, सो लेट अस कॉल दिस फंक्शन। एंड आफ्टरवर्ड्स गाइस हमको रिज्यूम कहाँ से करना है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट से। ठीक है, अगर हम इसको भी नंबरिंग देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हमको थर्ड लाइन से गाइस कंटिन्यू करना है। सो अपना एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टाइप का आप समझ लीजिए कि मतलब हमको इस लाइन से रिज्यूम करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपली अपना 3 लिख लिया। ओके, सो नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस फंक्शन नाउ। अब गाइस हमने वैल्यूज क्या पास करी है, ए और सम। ठीक है, सो सिंपली ये जो वैल्यूज हमारी एन और सम में चली जाएंगी। सो एन में हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी गाइस ए की, क्योंकि हम ए भेज रहे हैं, तो एन विल बिकम 2048। ओके, एंड योर सम, सम की वैल्यू आपकी गाइस क्या हो जाएगी, जो कि हम यहाँ से सम भेज रहे हैं, दैट इज 0 इनिशियली। ओके, और यहाँ पे गाइस हमारा लोकल वेरिएबल जो फंक्शन में गिवन है वो क्या है, के और जे, और इनिशियली वो 0 है। सो लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल 0। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल हमने ये लिख लिया। नाउ हम चेक कर रहे हैं कि इफ एन इज इक्वल टू 0, अगर हमारा एन 0 है, नहीं फिलहाल हमारा एन 0 नहीं है, 2048 है, तो हम सिंपली रिटर्न नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं करेगा। सो सिंपली के की वैल्यू गाइस चेंज होगी, अपडेट होगी, के इज इक्वल टू एन मॉडुलस ऑफ 10, मतलब हम इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं बेसिकली। ओके, लास्ट डिजिट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो k इक्वल टू एन मॉड 10, एन की वैल्यू है 2048, तो सिंपली 2048 मॉडुलस ऑफ 10 करते हो गाइज, तो लास्ट डिजिट दैट इज 8 आ जाएगा। तो k में आपका स्टोर हो जाएगा गाइज 8, तो 0 को हट के यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, इसमें 8 स्टोर हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, k की वैल्यू तो हमने निकाली n मॉडुलस ऑफ 10, दैट इज रिमाइंडर हमने निकाल लिया, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली, तो k की वैल्यू हो गई 8। नाउ गाइज j में हमारा है n डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो j में हमारी क्या वैल्यू आएगी गाइज, 2048 डिवाइड बाय 10। सो फ्रेंड्स, अगर आप n को 2048 को डिवाइड करते हो 10 से, तो आपका क्या आएगा गाइज, 204। ओके, तो जे की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 204। ओके गाइस, तो ये हमारा सिनेरियो हो गया। अब यार कुछ बच्चे कई बार मॉडुलस में कंफ्यूज जाते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे किया k इक्वल टू n मॉड 10, तो अगर हम डिवाइड कर रहे गाइस 2048 को 10 से डिवाइड करते हो, तो क्या आएगा, 204 आएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा और बचेगा क्या, 8 बचेगा हमारा रिमाइंडर, एंड 10 हमारा ये आ गया। तो सिंपली गाइस अगर हम मॉडुलस करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, तो 8, तो यहाँ पे हमारा k में वैल्यूज हो जाएगी, दैट इज रिमाइंडर, तो आपका 8 रिमाइंडर हो गया। एंड गाइज जब हम करते हैं j इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, वो कैसे हो रहा है, तो 2048 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, तो गाइज 204.8 आएगा। ओके, एंड बिकॉज वी वांट द इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे हम 204 लेंगे, सो इसलिए यहाँ पे 204 आ गया, सिंपल सा। सो नाउ गाइज हमको अपडेट करनी है सम की वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम प्लस k, सम में 0 था, 0 प्लस 8, तो ये इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी क्या गाइज, 8 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी अपडेट हो गई वैल्यू। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हम फिर से फंक्शन कॉल कर रहे हैं गाइज, तो विल मेक अनदर फंक्शन कॉल, फू फंक्शन को हमने कॉल किया, फिर हमको रिटर्न कहाँ से करना है गाइज, 6 लाइन से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर गाइज जो यहाँ पे होगा हमारा, मतलब हमको 6 लाइन से रिज्यूम करना है, दिस इज स्टैक गाइज। ओके, नाउ गाइज अगेन हमारी फंक्शन कॉल हुई, फिर से हमारे नए लोकल वेरिएबल्स बनेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, जो हमने यहाँ पे j पास किया, j की वैल्यू क्या है इनिशियली, 204, तो n की वैल्यू आपकी हो गई गाइज 204। ओके, और सम, सम में क्या आएगी गाइज वैल्यू, सम की, मतलब ये वाला सम जो है आपका, तो सम जो हमारा लोकल वेरिएबल बन रहा है, दिस विल स्टोर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज 8 आ जाएगा आपका। ओके, क्योंकि हमने j और सम पास किया था ना, दैट इज 204 और 8, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ गई। एंड गाइज फिर से k और j की वैल्यू इनिशियली हमारी क्या होगी गाइज, 0 होगी। ठीक है, इसको अभी हम अपडेट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे n की वैल्यू 0 है क्या, नहीं, n की वैल्यू 204 है, 0 नहीं है, तो रिटर्न नहीं करेंगे, सिंपली k इक्वल टू n मॉड 10, मतलब हम अपना रिमाइंडर निकालेंगे, 204 डिवाइड बाय 10 करोगे गाइस, तो रिमाइंडर आपका आएगा 4, तो k में वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी दोस्तों 4। ओके, 0 यहां से आपका हट जाएगा। एंड फ्रेंड्स, नाउ j इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10,
सो नाउ फ्रेंड्स विल डिवाइड एन बाई टेन जे में स्टोर करेंगे, ठीक है। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन डिवाइड बाई टेन, एन इज 204, तो 204 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 20.4, ओके। सो दैट इज 20, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, जे इज इंटीजर ना, दैट्स वाई। तो 20 आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे गाइज हमारी सिंपली वैल्यू आ गई 20। फिर से हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस के, अब हम सम में फिर से के जोड़ देंगे, तो के की वैल्यू 4 है और यहाँ पे सम की वैल्यू है 8, तो 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो यहाँ पे हमारी गाइज वैल्यू अपडेट हो जाएगी 12, ओके। तो ये हो गया, देन अगेन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन फू, तो फिर से हमारी एक और फंक्शन कॉल होगी दोस्तों, एंड आफ्टरवर्ड्स हमको 6 लाइन से रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आप समझ लीजिए, 6 लाइन से हमको यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, ओके। नाउ फिर से हमने फंक्शन कॉल किया गाइज, यहाँ पर हमने जे और सम की वैल्यू भेजी है एन और सम में, ठीक है। सो एन और सम में हमने वैल्यू भेजी है जे और सम की, तो जे की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और सम की वैल्यू 20, यहाँ पे 12 जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे हो गया 12। अगेन गाइज हमारा के और जे जो है इनिशियली होंगे 0, ओके। नाउ लेट्स सी हमारा एन 0 है कि नहीं, नहीं एन 0 नहीं है, फिर से रिटर्न नहीं करेंगे, फिर से के इक्वल टू एन मॉड 10। तो सिंपली व्हेन विल डिवाइड 20 बाय 10, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो सिंपली के में 0 ही वैल्यू रहेगी, ओके 0 ही रहेगा। देन जे में गाइज एन डिवाइड बाय 10, ओके। सो व्हेन विल डिवाइड 20 बाय 10, तो हमारा सिंपली 2 आ जाएगा, तो जे में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2, एंड आफ्टरवर्ड सम इज इक्वल टू सम प्लस के, सम की वैल्यू है 12, 12 प्लस के 0, तो 12 ही रहेगा फिर से। सो नाउ आफ्टरवर्ड्स फिर से गाइज एक और फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे, सो विल कॉल अगेन दिस फंक्शन फू, देन इसमें हम पास कर रहे हैं गाइज जे एंड सम, ठीक है, और यहाँ पे जा रही है वैल्यूज किस में, एन और सम में। सो गाइज जब भी हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमारी एन और सम की जो वैल्यू है, मतलब जो सारे जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल लोकल वेरिएबल्स है ना, तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग लोकल वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है, सबकी वैल्यूज जो है अलग अलग होंगी। सो गाइज सिंपली हमने यहाँ से इस वाले फंक्शन से इसको कॉल किया था, तो हमने पास किया था जे और सम, तो जे की वैल्यू थी 2, तो एन में आ जाएगा आपका 2, एंड सम की वैल्यू थी 12, सो यहाँ पे हमारा सिंपली आ जाएगा 12, ओके। यहाँ से हमने वैल्यूज इसमें डाल दी, तो ये वैल्यू हो गई। अब के और जे फिर से इनिशियली हमारे इस वाले फंक्शन कॉल के लिए रहेंगे 0, देन अगेन विल चेक एन इज इक्वल टू 0, नो कंडीशन फॉल्स, फिर के इक्वल टू एन मॉडुलस ऑफ 10। तो 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे गाइस, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2, तो के में स्टोर हो जाएगी वैल्यू 2, तो 0 हटेगा, 2 स्टोर हो जाएगा, ओके। देन सिंपली जे इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10, वेन विल डिवाइड 2 बाय 10, तो हमारा गाइस आएगा 0.2, और हमारे को यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो सिंपली जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। देन गाइज हमको सम इक्वल टू सम प्लस के करना है, सम में है आपका 12, 12 इक्वल टू 12 प्लस के, के की वैल्यू है 2, तो सिंपली यहाँ पे हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी 14, ठीक है, 12 प्लस 2 14। देन फिर से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं दोस्तों, एक और फंक्शन कॉल हमने यहाँ पे करी है फू नाम से, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर सपोज टू कंटिन्यू फ्रॉम 6th लाइन, तो यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लगाना है कि यस हमको यहाँ पे 6th लाइन से कंटिन्यू करना है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स फिर से हमने फंक्शन कॉल किया, तो एन की वैल्यू और सम की वैल्यू अब हमारी जे और सम हो जाएंगे प्रीवियस वाली। सो नाउ गाइस हमने जे और सम पास किया था, तो जे की वैल्यू थी 0, तो एन इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि हमने जे की वैल्यू एन में डाल दी, एंड सम की वैल्यू हमने इस वाले सम में दे दी, तो सम वाज 14, इसकी सम की वैल्यू 14 यहाँ पे हो गई। नाउ गाइस फिर से हमारे के की वैल्यू होगी 0 एंड जे की वैल्यू होगी 0, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। फिर हम चेक करेंगे इफ एन इज इक्वल टू 0, अब यस देखिए एन आपकी 0 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो सिंपली रिटर्न, मतलब हमें कुछ नहीं करना है प्रिंट। सो गाइस हमारा सिंपली ये रिकॉर्ड जो है स्टैक से पॉप हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा पॉप हो गया। नाउ गाइज हम सिंपली इस वाले स्टैक रिकॉर्ड पे आएंगे, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक पे अभी हमारा ये वाला फंक्शन कॉल है, तो सिंपली गाइज हमको कहाँ से कंटिन्यू करना था, 6th लाइन से कंटिन्यू करना था, राइट। तो 6th लाइन कह रही है कि प्रिंट है परसेंटेज डी के की वैल्यू, तो के की वैल्यू गाइज इसमें क्या है हमारी 2, तो सिंपली 2 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे गाइज एक कॉमा भी है परसेंटेज डी के बाद, तो सिंपली यू विल गेट एट कॉमा, ठीक है, सिंपली हमारा ये प्रिंट हुआ। देन एंड ऑफ फंक्शन फिर से ये हमारा पॉप हो जाएगा स्टैक रिकॉर्ड, ओके, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे ये रहेगा। देन आफ्टरवर्ड्स इसमें भी हमको 6th लाइन से कंटिन्यू करना था, 6th लाइन कह रही है परसेंटेज डी के, दैट इज वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू गाइस यहाँ पे क्या है 0, ओके, सिंपली 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कॉमा है, तो एक कॉमा आ गया आपका फिर से, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फंक्शन फिनिश, तो फिर से आपका ये स्टैक रिकॉर्ड पॉप हो गया। नाउ गाइस वी कम टू दिस फंक्शन, यहाँ पे भी हमको 6th लाइन से कंटिन्यू करना है, 6th लाइन कह रही है के की वैल्यू प्रिंट करो, तो के की वैल्यू 4 है, सिंपली 4 प्रिंट होगा, फिर कॉमा प्रिंट हो जाएगा, कॉमा कहाँ से आ रहा है गाइस, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा भी है परसेंटेज डी के बाद। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हमारा ये फंक्शन कॉल फिनिश हुआ, फिर से स्टैक रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। नाउ गाइस दिस फंक्शन कॉल विल बी ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, राइट, 6th लाइन से फिर से आप कंटिन्यू करोगे, 6th लाइन कह रही है के की वैल्यू प्रिंट करो, के की वैल्यू है 8, अगेन विल गेट व्हाट, 8 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कॉमा प्रिंट हो जाएगा, ये स्टैक रिकॉर्ड भी पॉप, बिकॉज फंक्शन कॉल आपकी यहाँ पे ओवर हो गई, राइट। देन गाइज हम मेन में पहुंचे हैं डायरेक्टली, सो गाइज हम मेन में पहुंचते हैं, मेन हमको बोल रहा है कि वी आर सपोज टू कंटिन्यू फ्रॉम द थर्ड लाइन, ठीक है। अब हम मेन में देखते हैं थर्ड लाइन कहाँ पे है, थर्ड लाइन कह रही है गाइज प्रिंट एफ सम, तो गाइज सम की वैल्यू क्या है 0, सो सिंपली हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 0, ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स रिटर्न, तो हमारा ये मेन फंक्शन भी फिनिश हो गया, एंड दिस स्टैक रिकॉर्ड विल ऑल्सो भी पॉप्ड ऑफ, तो यहाँ पे हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो गाइज आपका फाइनल आंसर क्या रहा है, 20480 विद द कॉमास, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। सो गाइज ये था हमारा सिंपल सा गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, रिकर्जन कंसेप्ट वो आपका चेक कर रहे थे।
सो गाइस आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ठीक है। एग्जाम वगैरह में जब भी आपका अगर कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ताकि गलती होने के कोई चांसेस ही ना हो, सिंपली आप स्टैक बनाओ, मेन फंक्शन से कॉल करो और हर एक फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको लिखते जाओ एंड सिंपली उनकी वैल्यू अपडेट करते जाओ, ओके। और गाइस ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बहुत काम आता है, लाइन नंबर ऑलरेडी कर लो ताकि आपको पता रहे कि इस लाइन से मुझे कंटिन्यू करना है, सिंपली आप यहाँ पे लिख लो साइड में, ठीक है। तो बस ये आपका आउटपुट आ गया गाइस 20480। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की गाइस अपडेट मिल जाएगी, जैसी वीडियो डलेगा तुरंत उसमें ग्रुप में मैं डाल देता हूँ उसका लिंक, राइट। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है गाइस। आपको ट्विटर वगैरह हर सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट। एंड या दैट्स इट, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।